ये हमारी 63-200 पर फ्यूज़न मैनुअल वेल्डिंग मशीन विथ 13 एम्पेयर मोटर। अब देखिए मैनुअल मशीन का, हम लोगों ने जो मैनुअल मशीन में ये सब आर पिन का यूज़ किया है, ये आर पिन होती है, ये स्टेनलेस स्टील की आर पिन है। इसमें इसका जो ग्रिपिंग है वो ज़्यादा अच्छी है, तो हम लोग पूरी मशीन में आर पिन का यूज़ करते हैं। और 40 mm के क्लैंप है। देखिए ये मशीन में हमने दोनों तरफ स्टॉपर का यूज़ किया गया है कि मशीन जब आप हीटर से इसको जोड़ें तो ये लॉक हो जाए, इसीलिए दोनों तरफ ये टाइट हो जाता है, ये लॉक हो जाता है, फिर मशीन आगे पीछे नहीं होती है। अब देखिए मशीन का क्लैंप की थिकनेस, ये जो मशीन है हमारी इसमें हम लोगों ने 40 mm का क्लैंप लगाया है, 40 mm का क्लैंप। ये जो 40 mm का क्लैंप है, अब देखिए मैं आपको वर्नियर से नाप के दिखाता हूँ, ये 40 mm का क्लैंप है। देखिए 40 mm का थिकनेस है, 40 mm का सॉलिड क्लैंप है। ये 63 से 200 तक है। अब देखिए जैसे इसको कैसे कैसे ये है क्लैंप, मैं आपको बताता हूँ। ये 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, और जो बेस फ्रेम होता है और अपर फ्रेम होता है वो 200 का होता है। जैसे देखिए ये है 63, जैसे जैसे नीचे करते जाएंगे क्लैंप निकलता जाएगा, लास्ट जब आ जाएंगे तो फिर वो 200 आ जाएगा। हाँ ये देखिए, ये आपका 125, ये 140, ये 160, ये 180। अब ये जो मेन ये बेस फ्रेम है इसमें भी ऐसे ही रहेगा और अपर में भी ऐसे ही रहेगा 200 का। तो ठीक है, ये हमारी मैनुअल वेल्डिंग मशीन है 63 से 200 mm। अब ये जो है ये हीटर का सिस्टम, देखिए हीटर को जब भी आप हीट करें तो इसको 200 में, इसका जो टेम्परेचर है उसको 200 में सेट कर दीजिए। 200 में हीटिंग की जो प्लेट की जो टेफ्लॉन कोटिंग है वो अच्छी रहती है, सालों साल कुछ नहीं होगा। लोग 300 डिग्री में हीट करते हैं, ये गलत है, इसको 200 ही में सेट करके रखिए, चाहे जितना भी टेम्परेचर हो, कम हो ज़्यादा हो, बस 200 से 220 तक सेट करिए, उससे ऊपर नहीं, जिससे हीटर की लाइफ लॉन्ग रहेगी। ये 13 एम्पेयर की मोटर है और ये मशीन यहाँ लगाइए और मशीन को पहले कटर को चालू करिए, फिर पाइप को इसमें चिपकाइए, जिसमें क्या होगा कि कटर की ब्लेड की जो धार है वो कम ख़त्म होगी। ठीक है सर, ये हमारी 200 की मैनुअल वेल्डिंग मशीन।